गुड आफ्टरनून दोस्तों, मॉर्निंग तो यहाँ होती नहीं है और अभी निकल रहे हैं लंच के लिए और हम जा रहे हैं अभी अरम्बोल बीच, कुछ चेंज करेंगे। बागा पे दो दिन से जा रहे हैं, हालत देख रहे हो, पसीने मतलब रूम से निकल के गाड़ी तक आए पसीने पसीने हो गए बिल्कुल। और मौसम बड़ा गर्म है, दिसंबर जनवरी बेस्ट है आने के लिए, फरवरी में बिल्कुल गर्म हो जाता है। और जब भी सीज़न में भी आओ तो आप आओ फ्राइडे को, फ्राइडे रुको, सैटरडे रुको, संडे रुको, मंडे निकल जाओ, क्योंकि जो पार्टीज वार्टीज जो भी होता है, हैपनिंग होता है, वो फ्राइडे सैटरडे होता है। हम आ गए थे थर्सडे, कुछ नहीं था, कल गए थे बागा बीच और वो टिटोज लेन, तो वहाँ सब कुछ फुल था और एक ये नाइट मार्केट करी थी। और आज है महाशिवरात्रि, ज़बरदस्त पार्टी आज भी, तो मेरा सजेशन तो यही है भाई कि दिसंबर में आओ जनवरी में आओ। बिट्टू भैया क्या कहना चाहते हो इस बारे में, क्या कहोगे आप? अरे मौसम के मजे लेने तो हर वक्त आओ। अरे भाई मौसम हमारे लिए नहीं है, हमारी आदत हो गई खराब, हमें चाहिए एसी। एसी वाले बंदे हो गए ना, वो प्रॉब्लम है। नाम है हमारा देसी पर हमें चाहिए एसी। ये देखो पसीने आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो कोई नहीं है, बट ये हाँ शाम को बड़ा अच्छा वेदर हो जाता है। तो कल भी जैसे नाइट मार्केट गए थे तो सभी पूरी पब्लिक नाइट में दिखती है सर, दिन में कोई दिखता नहीं है, नाइट मार्केट अच्छी थी। हाँ, और वो बिट्टू भैया सही कह रहे थे, वो जो मैं बोल रहा था कि हर वीक लगती है और सैटरडे मार्केट वो दूसरी है, ये वाली शायद साल में एक बार लगती है, शिवरात्रि साल में एक बार लगती है, क्योंकि उसमें टिकट है, अभी कन्फर्म नहीं है उसका, क्योंकि स्टेज वगैरह बहुत ज्यादा खर्चा कर रखा था। तो ठीक है, फरवरी में भी आ सकते हो, जिसको आदत हो मतलब इस तरीके से बीच में बैठने की या टैनिंग करने की गोरों की तरह, हम तो पहले से टैन है। ये हम पहुंच गए हैं अरम्बोल बीच, वैगा टॉर से 45 मिनट्स लगे हैं और कुछ डिफरेंट ही बीच है, फॉरेनर्स ज़्यादा हैं इधर, अगर मैं करेक्ट हूँ तो इधर इसको रशियन बीच कहते हैं। कैसा लग रहा भाई, कुछ चेंज है? बिल्कुल चेंज है, एकदम बिल्कुल डिफरेंट बीच है ये वाला। हाँ, बागा में तो क्राउड अलग है, अलग क्राउड है, इधर अलग क्राउड है। हाँ, और इसका अलग ही एक्सपीरियंस है, ये रशियन बीच है एक्चुअली। अच्छा, आपको कैसे पता? वहाँ लिखा हुआ था, एंट्री पे रशियन लैंग्वेज में लिखा हुआ। चलो देखते हैं, देखते हैं कैसा है। लो जी दोस्तों, पहुँच गए बीच पे और हमारे बिट्टू भैया कर रहे हैं पूरा इंजॉय। आप लोगों की डिमांड रहती है कि बिट्टू भैया कहाँ गए, बिट्टू भैया कहाँ गए, ये आ गए बिट्टू भैया। बेटर है अदर बीच से, बहुत बढ़िया है, यहाँ थोड़ा सा क्राउड बीच क्राउड है, बढ़िया क्राउड है यहाँ पर, वो सब वो वाला क्राउड नहीं है कि सब यहाँ पर ओपन ना कुछ मिक्स होती है, ये बेस्ट क्राउड है। और वो भी नहीं है इधर वाटर स्पोर्ट्स वगैरह भी, वाटर स्पोर्ट्स नहीं है, पीस बढ़िया मतलब शांति के लिए, कोई भी आया तो इधर जरूर आए, ये बहुत अच्छा है इधर। अब दूर है यार मेन उससे, बागा वागा से अच्छी तो कम से कम अच्छी चीजों के लिए थोड़ा दूरी मिलता है, पास में नहीं मिलेगी, पास में हमेशा एक घंटा कम से कम लग जाएगा बागा। बिल्कुल बिल्कुल, 45 मिनट्स लगे बागा तरफ से। बिल्कुल बढ़िया, मजा आ रहा है इधर। रूट भी बहुत अच्छा है, आने का रूट भी बिल्कुल डिफरेंट है, रास्ते के भी मजे हैं, डिफरेंट गोवा लगेगा बिल्कुल। सनसेट होने वाला है और डिफरेंट ही वाइब है इधर, इतना क्राउड नहीं है बागा जैसा, ना ही वाटर स्पोर्ट्स वगैरह हो रहा है कुछ। मुझे अपना पर्सनली बोलूं तो मुझे बागा से बेटर लगा ये, ज़्यादा क्राउडेड अच्छा नहीं लगता। क्या बात लड़के, बहुत बढ़िया, थोड़ा जोर से बजाओ। हाँ ये गोरे देखो क्या कर रहे हैं, एक अलग ही इनका मजा चल रहा है, योगा है या कोई मैजिक कर रहे हैं, वो अपने सर के ऊपर बोतल लेके खड़े हैं। वेरी गुड, सबका अपना अपना तरीका है एंजॉय करने का, इनको ऐसे मजा आ रहा है। ये रेड स्नाइपर है, ये रेड स्नाइपर, ये किंगफिशर। अच्छा, ये वाइट काउंटर। कौन सी? वाइट काउंटर। ओके, इस कंप्लीट वाइट काउंटर, कंप्लीट रेड फिश, टाइगर रेड स्नाइपर, किंगफिश। किंगफिश तो कौन सी खाओगे बेटा भैया? आई थिंक दिस बेटर,
चलिए जी बिट्टू भैया हमारे बिल्कुल सी फूड लवर हो गए हैं, तो रेड फिश ले आओ आप। बिट्टू भैया थोड़ा सा हमारी भाभी के लिए कुछ स्टोन्स वगैरह लेते हुए। दोस्तों ये देखो आए थे लंच के लिए, हो गया डिनर टाइम अरम्बोल पे, और ये फायर शो कर रहे हैं फॉरनर्स, बहुत बढ़िया शो हो रहा, भीड़ लगी हुई है। लिलीपुट आए हैं, महाशिवरात्रि की पार्टी आज, स्पेशल पार्टी, 1500 रुपए एंट्री के लिए, डीजे पता नहीं कौन कौन है, बट यहाँ का माहौल कुछ अलग ही लग रहा है। बहुत लाउड म्यूजिक है, अंजना बीच पे है कैफे लिलीपुट, और आज स्पेशल पार्टी है महाशिवरात्रि की। पहुंच गए हम वेगाटोर बीच, लास्ट डे आ रहे हैं वेगाटोर बीच पे, जहाँ पे हमारा होटल है, जहाँ रुके हुए उसी बीच पे नहीं आए, वाघा बीच पे चले गए, अरम्बोल बीच चले गए, और आज पहुंचे हैं वेगाटोर बीच, और ये काफ़ी साफ सुथरा और शांत बीच है, वाटर स्पोर्ट्स भी हो रहे हैं, बाकी वाघा में तो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है, और अरम्बोल रशियन बीच है, वहाँ पर फॉरनर्स ज़्यादा हैं, इधर अच्छी शांति है, बहुत साफ सुथरा बीच है, दिखाता हूँ आपको। ये पहुंच गए हैं चपोरा फोर्ट, यही कहते हैं ना, एक अघोड़ा है वो कांडोलिम बीच पे है, ये वेगाटोर बीच पे है चपोरा फोर्ट, और कसरत बहुत ज़्यादा हो रही है, पसीनों में तर बतर हो गए यहाँ तक पहुँचने के लिए, देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें, और हम पहुँच गए हैं बिल्कुल टॉप पे, यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त सी व्यू आएगा, प्लस पूरा यहाँ से गोवा का व्यू आता है। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, हवा अच्छी चल रही है, हवा में ठंडक है, छाँव में जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, धूप में आते ही पसीने पसीने। हम आए थे वो दिल चाहता वाली मोमेंट जीने, फिल्मों में अच्छा लगता हो, कितने मजे से रिलैक्स अकेले बैठे हैं, यहाँ इतना क्राउड है और तगड़ी गर्मी है, बहुत गर्मी है, तो फिल्मों में दिखा देते हैं क्या मज़ा आ रहा है, अकेले हैं कोई नहीं है, फोर्ट की बाउंड्री में बैठ के सी व्यू कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कल्पना की जिंदगी है, वास्तविकता ये है, देखो पसीना पसीना और टैनिंग। ये फोर्ट से व्यू आ रहा पूरा गोवा दिख रहा है इस तरफ, और इधर देखिए सी व्यू क्या बढ़िया, नीचे जो है वेगाटोर बीच दिखाई दे रहा है। दोस्तों लास्ट डे के लिए होटल चेंज किया है, ये हमने लिया सोमा रिजॉर्ट्स कलंगूट, क्योंकि कल अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट है, वेगाटोर से काफ़ी दूर हो जाता है एयरपोर्ट, तो एक नाइट के लिए इधर कलंगूट पर रुक गए, और थोड़ा चेंज भी हो जाएगा, और ये कुछ रिजॉर्ट है, सामने स्विमिंग पूल है, इधर अपना डाइनिंग एरिया, और वो उधर सामने अपना सामने वाली विंग में फर्स्ट फ्लोर पे अपना रूम है, बहुत बढ़िया रिजॉर्ट। ये बिट्टू भैया सैर कर रहे हैं, हाँ भैया कहाँ सैर कर रहे हो, स्विमिंग स्विमिंग करके निकले अभी भी, अच्छा तभी थोड़े फ्रेश से लग रहे हो,
सीन है, बहुत आता है यहाँ, कम से कम दो तीन बार सुनी। हाँ जी बिट्टू भैया, तीन दिन में रोटी की याद आ गई। पहुँचे एक इंडियन रेस्टोरेंट पे, डोसा खा लिया, सी फूड खा लिया, पिज्ज़ा खा लिया, तवा रोटी नॉर्मल चावल वगैरह। पर हम देसी लोग बिना रोटी के रह नहीं सकते हैं, चाहिए भाई। चार दिन हो गए बिना, चौथा दिन है, तीन दिन हुए। और अपना रोटी खाने का मूड इतना ज़्यादा हो रहा था कि इसको ढूंढा हमने और फिर यहाँ पहुँचे रोटी खाने के लिए। मुँह में पानी आ रहा भाई, काफ़ी देर में ऑर्डर करने के बाद फ्रेश होना ना, बिल्कुल ऐसा ऑर्डर कोई करता नहीं इधर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है, वीडियो भी स्टार्ट कर रहा हूँ एयरपोर्ट पहुँच के। ये नया एयरपोर्ट है, मोपा एयरपोर्ट इसका गोवा का। और गाड़ी कर रहे हैं वापस, सिक्योरिटी ले रहे हैं अपनी और फ्लाइट पकड़ते हैं और गोवा को कहते हैं अलविदा। हाँ भाई, बाय करते गोवा को।